हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज की हमारी वीडियो रहने वाली है Hyundai Exter MT वेरिएंट और ग्रैंड आइटन न्योस स्पोर्ट CNG वेरिएंट के बीच में ड्रैग रेस की। एक्स्टर की बात करें तो एक्स्टर हमारा SX ऑप्शनल टॉप वेरिएंट है, सिंगल टोन में जो आती है। इंजन की बात करें तो इंजन हमें एक्स्टर में मिलता है 1.2 लीटर का कापा इंजन, जो कि जनरेट करते हैं 83 BHP और 114 Nm का टॉर्क। यही सेम इंजन हमें न्योस में मिलता है, लेकिन न्योस में हमारी फैक्ट्री फिटेड CNG आती है, तो इसलिए उसमें पावर फिगर थोड़ी कम हो जाती है जब CNG मोड पर हमारी कार रन होती है, तो 20% का इसमें पावर फिगर में ड्रॉप आता है। इंजन की जो पावर फिगर है वो दोनों कार में हमें सेम मिलती है। हालांकि आप बॉडी सेगमेंट में फ़र्क देख सकते हैं, बॉडी सेगमेंट में कार में दोनों में फ़र्क है। तो अपनी ड्रैग रेस को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली दो राउंड करने वाले हैं, एक बार हम इसको CNG पर रन करेंगे और एक बार हम इसको पेट्रोल पर रन करेंगे। ये हमारी प्योर पेट्रोल है और ऑटोमेटिक के अंदर है हमारी, तो पता चल जाएगा कौन सी कार क्या परफॉर्म करती है। सेगमेंट का और ग्राउंड क्लियरेंस का फ़र्क है भाई, सेगमेंट में हमारी एक्स्ट्रा ज़्यादा और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। तो चलिए अपने फर्स्ट राउंड को हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना हम फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, इसको मैं ड्राइव बता लेता हूँ। मोड वगैरह बाकी इसमें कुछ भी नहीं आते, स्पोर्ट्स वगैरह। वो एक्सेलरेटर मैंने इसमें प्रेस कर रखा है, हल्का सा इसमें मेरा हैंड ब्रेकिंग है सर 2 पॉइंट। गियर में इसमें काफी लैग आ रहे, तो इसलिए वो हमारी मैनुअल है, तो हमारी ग्रैंड आइटन न्योस जीत गई है। वो हमारी CNG में अभी और ये हमारी प्योर पेट्रोल में थी, जब भी हमारी आइटन न्योस जीत गई है वाला राउंड। तो एक बार हम इसका ड्राइवर इंटरचेंज भी कर लेते हैं, मैं एक बार ग्रैंड आइटन न्योस चलाऊंगा पेट्रोल में, फिर देखते हैं एक बार क्या कुछ रिजल्ट आता है। वो हमारा लास्ट राउंड रहने वाला है। फर्स्ट राउंड की विनर भाई हमारी ग्रैंड आइटन न्योस है CNG के अंदर। इसमें हालांकि थोड़ा सा हैंड ब्रेकिंग गेज था, लेकिन मैं AMT के कारण इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग आ जाता है, जिसमें कि हमारी ग्रैंड आइटन न्योस उस टाइम आगे निकल जाती है, फिर कवर करना इसमें मुश्किल हो जाता है उस टाइम। तो भाई मैं आ गया हूँ ग्रैंड आइटन न्योस के अंदर। इसका AC भी मैंने ऑफ कर लिया है। AC हमारा फर्स्ट राउंड में एक्स्ट्रा का भी ऑन था, इसका भी मैं AC ऑन ही कर लेता हूँ। इस बार भी AC मैं ऑफ नहीं करता हूँ, और अभी हमारी CNG पे है, तो एक बार मैं इसको पेट्रोल पे भी कर लेता हूँ। हमारी पेट्रोल पे भी आ गई, तो अपना हम ये लास्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस में तो भाई ग्रैंड आइटन न्योस से कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हमारी कितनी पीछे रह गई है, बहुत पीछे रह गई हमारी एक्स्ट्रा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें, तो इस राउंड की विनर भाई हमारी ग्रैंड आइटन न्योस ही है, जिसकी परफॉर्मेंस का कोई टक्कर ही नहीं है। क्योंकि भाई हमारा जो सेगमेंट है ना, ये काफ़ी छोटा आता है, ये हमारा कॉम्पैक्ट हैचबैक है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि इसका जो टायर भी का साइज़ भी है वो भी इसका छोटा है, एक्स्ट्रा का टायर साइज़ भी ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई हमारा न्योस का कम है, तो उस चीज़ से फ़र्क पड़ जाता है एक्सेलरेशन पर। वो हमारी AMT है, तो AMT तो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में लैग आ जाता है, तो उस लैग के कारण हमारी कार वो हार जाती है। तो AMT के लैग के कारण वो कार हमारी हार जाती है और न्योस हमारी जीत जाती है, क्योंकि उसमें गियर में भी लैग आता है और स्टार्टिंग में लॉन्च होने में वो कार थोड़ा टाइम लगा देती है। मैंने उसका ब्रेक प्रेस करके एक्सेलेटर देकर भी उसको लॉन्च कर लिया, लेकिन वो इसको नहीं पकड़ पाती, तो इसी के कारण हमारी ग्रैंड आइटन न्योस इससे एक्स्ट्रा से पेट्रोल में भी जीत गई और CNG के अंदर भी जीत गई। क्योंकि पावर फिगर्स की बात करें तो दोनों में हमें सेम इंजन मिलता है, लेकिन उस कार में हमारे टोटल 3 पैसेंजर थे और इसमें मैं सिर्फ अकेला था, तो उस चीज़ का भी फर्क है। और मेन जो उसका फर्क है वो AMT का आता है, वो हमारा थोड़ा लैगिश है। लेकिन अगर मैं ग्रैंड आइटन न्योस की ड्रैग रेस करता हूँ Hyundai Exter मैनुअल से, तो भाई हमारी एक्स्ट्रा इसको टक्कर दे सकते हैं ग्रैंड आइटन न्योस को, इतनी बुरी तरीके से नहीं आ रही जैसे कि हमारी AMT आ रही। क्योंकि AMT में थोड़ा लैग आता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल AMT अगर टॉर्क कन्वर्टर या फिर DCT होता तो भाई इसको फिर पूरी टक्कर मिलती, लेकिन वो नॉर्मल AMT तो उसमें लैग भाई बनता है। तो यही थी भाई हमारी आज की वीडियो Hyundai ग्रैंड आइटन न्योस और Hyundai Exter के बीच में ड्रैग रेस की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन दोनों के बीच में अगर ड्रैग रेस होती है तो भाई हमारी ग्रैंड आइटन न्योस ही जीतेगी, बेशक वो CNG पे हो या फिर हमारी पेट्रोल पे हो, अगर हमारी एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक रहेगी तो। मैनुअल की भी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।